दोस्तों, जब से भारत में के कोफाउंडर अश्लील रोबोट शार्क टैंक पर आए, उनकी फेम और पब्लिसिटी बढ़ गई। लेकिन इसी के साथ साथ लाइफ में दिक्कतें भी बड़ी हैं। एक कॉन्ट्रोवर्शियल ऑडियो क्लिप 5 जनवरी को रिलीज हुआ था, जिसमें अश्लील रोबोट कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय को मां बहन की गालियां दे रहे थे, जान से मार देने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि वो उन्हें नायका के आईपीओ में एलोकेशन नहीं दिलवा पाया। इसके बाद जब इंक्वायरी बैठी तो पता पड़ा कि भारत पे का कल्चर बहुत ज्यादा खराब है। इनफैक्ट काफी सारी फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज भी सामने आई, जिसमें अश्लील ने किसी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी को काफी सारा अमाउंट दिया हुआ है, ताकि वो अच्छे से लोगों को हायर करवा सके। लेकिन वो हायर किए हुए लोग खुद कह रहे हैं कि हम ऐसे किसी कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं आए हैं, हम तो डायरेक्ट ही भारत पे को ज्वाइन किए हैं। अब इन सारी कंट्रोवर्सीज के चलते भारत पे का बोर्ड चाहता है कि अश्लील ग्रोवर रिजाइन कर दें और अपनी बनाई हुई कंपनी से चले जाएं। लेकिन अश्लील ग्रोवर कहते हैं कि $6 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी, उसमें 9.5% हिस्सेदारी के बदले वो 4,000 करोड़ रुपए लेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप इससे सहमत है और इस डील में इन है या आउट है, हमें कॉमेंट करके बताएं। ऐसे और अमेजिंग वीडियोज के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।